सीकर के एडीजी अविनाश चंद्र दो दिवसीय जनपद दौरे पर आए हैं, जिसमें उन्होंने पहले दिन व्यापारियों के साथ बैठकर व्यापारियों की समस्या सुनी। इसके बाद वह पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया गया कि पुलिस के उत्कृष्ट कार्य, सेवा एवं कई अपराध के खुलासों के लिए पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है, जिसमें डीआईजी झांसी परिक्षेत्र सुभाष सिंह बघेल एवं ललितपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह को राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त सराहनीय कार्यों के लिए रजत मेडल एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही एक निरीक्षक, 6 उप निरीक्षक, 1 हेड कांस्टेबल, 19 कांस्टेबल, 17 आरक्षी, 2 चालक आरक्षी व 1 महिला कांस्टेबल को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस और जनता को हर समय चौकन्ना रहना चाहिए। 100 डायल पर शिकायत करने के सवाल पर 100 डायल पुलिस कर्मी दोनों पक्षों को कोतवाली लेकर आते हैं, जिसमें निष्पक्ष जांच एवं तथ्यों की जानकारी के लिए दोनों पक्षों को थाने लाया जाता है। आज ललितपुर जनपद में डीआईजी रेंज श्री बघेल साहब को डीजी सिल्वर डिस्क से सम्मानित किया गया और एसपी साहब डॉक्टर ओपी सिंह को राष्ट्रपति का पुलिस पदक, सराहनीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया और 42 अन्य पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने हाल के दिनों में उत्कृष्ट कार्य किया था और केसेस को, जो ब्लाइंड केसेस थे, उनको अनावरण करने में, मुलजिमों की गिरफ्तारी में और सामान की बरामदगी में मेहनत किया था। और जो भी अच्छा काम करेगा सबको हम रिकग्नाइज करेंगे, सम्मान व्यक्त करेंगे और उन पुलिस कर्मियों के प्रति धन्यवाद भी, कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अथक परिश्रम करके जो ब्लाइंड केसेस थे उनका सफल अनावरण किया है। न्यूज़ बीके के लिए ललितपुर से मनोज जैन की रिपोर्ट।